वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ना सुबह मम्मी के साथ हेल्प वगैरह करवाई, मैंने सोचा नहा के ना बाहर निकल जाते, घूम लेते, लेकिन क्या हुआ कि मैं सो गया क्योंकि छुट्टी वाला डे था और मम्मी के साथ आराम से हमने रेस्ट की और अब जस्ट चाय पिए, शावर लिया और अभी फिर से रेडी शेडी हो गए क्योंकि हमें रेडी शेडी होकर अपने व्लॉग को स्टार्ट करना अच्छा लगता है। और गाइस, मैंने ना मून पे लैंड ली थी जिसकी बहुत ही चर्चा हो गई थी, है ना। हेटर्स बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे कि भाई ऐसे कर गया ऐसे कर गया, तो चलिए कोई बात नहीं, होना भी चाहिए, है ना। हेटर्स दुखी होंगे, खुश तो नहीं होंगे मेरी ऐसे ऐसे कामों की वजह से। तो गाइस, फोन पे जो लैंड ली थी ना वो कैलिफोर्निया से, मेरे को रजिस्ट्री आनी है बन के, लेकिन क्या हुआ कि ना जब से चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है वहाँ पे, उसके बाद ना वहाँ पे रश पड़ गया उस साइड पे, जिसकी वजह से उनका मेल भी आया था कि जहाँ पे हम 2-4 दिन लेते थे पीडीएफ भेजने के लिए, वहाँ से हम आपको 5-7-10 दिन लेंगे वर्किंग डेज को निकाल के, नहीं जो हाँ वर्किंग डेज को। और उसके बाद दूसरा क्या था, अपना अगर डॉक्यूमेंट भेजने हार्ड कॉपी तो उसके लिए जहाँ पे 60 दिन लगते हैं वहाँ पे 90 दिन या मतलब बढ़ा दिया था क्योंकि ये सब सीन था। बट पता नहीं क्या हो क्या नहीं, जल्दी वेट कर रहे हैं, जल्दी रजिस्ट्री आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि पैसे वेस्ट हो जाए, तो मैंने इसलिए आज मेल भी डाला उनको। और हाँ, कल ही इसरो की नई खुशखबरी भी मिली है कि आदित्य L1 भी लॉन्च किया है सूर्य के लिए, है ना। तो बहुत खुशी की बात है और नई नई रिसर्च चल रही है और मून पे लैंड ली है। जैसे ही मतलब सूर्य पे मिलनी स्टार्ट हो जाएगी ना तो सूर्य पे भी लेंगे आपके हम कुछ, किसके लिए किसके लिए किसके लिए, मून पे लिए अपने प्रियजनों के लिए और जो सूर्य पे लेंगे ना हम जगह वो लेंगे अपने हेटर्स के लिए। तो मैंने एक नया चश्मा लगाया हुआ है, एक्चुअली ये मैंने नया जो बनवाया है ना वो मेरे आएंगे राजस्थान से बन के, वो अभी आए नहीं है, लेकिन ये भी मेरे पास फ्रेश था। और थोड़ा सा ना आपको, आप लोग बोल रहे हो बड़ा लग रहा है, हाँ मेरे को भी ना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट क्या कर सकता हूँ। पता क्या है कि कुछ दिन ना जब इसको लगाऊंगा ना फिर आपको इसी चीज़ की आदत हो जाएगी, लेकिन अभी आपने पहले दूसरे वाले में देखा था ना तो ये रीज़न था। बट मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा, हैवी हैवी से लग रहा है क्योंकि जो मैंने नए बनाए हैं ना, मैं सोच रहा हूँ जल्दी आ जाओ तो जल्दी जल्दी पहन। आप बाहर सैर कर रहे हो, मैं ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए आप। चलो ठीक है, मैं आया थोड़ी देर में। क्या हुआ गैस? डंडी मीन्स मतलब कि मेरी स्पेक्स थी ना जो पुराने वाली थी, रहने दो मैं बता दूंगा आपको फ़ोन करके ना। तो सेम वैसी एक और पड़ी हुई है मेरे पास, वो उससे भी पुरानी है। उसके ना जब मैं वहाँ पे गया था, क्या कहते हैं जाखू टेंपल, तो वहाँ मंकी ने मेरी खा ली थी ना पीछे से वो वाली, तो मैंने चेंज की थी। अब जो नई वाली टूट गई है तो फिर मैंने सोचा कि वो वाली चला लेता हूँ क्योंकि आपको भी वही स्पेक्स अच्छी लगती है। और वो ना पता नहीं जो टूटी हुई थी मैंने रखी हुई थी, अनविन ने कहीं फेंक दी, तो मम्मी ढूंढ रहे थे कि कहाँ है, कहीं शायद इधर उधर तो नहीं। मैं ढूंढ रही हूँ डंडी मतलब कि इसको बोल रहे हैं। और चाची जी कैसे? बस बढ़िया बढ़िया। तुसी क्या गिरना है यो? मरने जा रही हूँ। चाची इधर कहते चाची, तुसी भी दुखी है, तुसी भी दुखी है। गाइस आपको एक क्लोज बताते हैं क्या हुआ मेरे साथ। आप बोलोगे यार अंकुश क्या होता रहता है, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है, गलती हर वक्त पीछे वाले की हो जाती है। पता नहीं लोग हमारे इस एरिया में ना ट्रैफिक बहुत चला हुआ, एक साइड से ट्रैक्टर जा रहा था, मैं अपनी साइड पे जा रहा था, बीच में से बाइक घुसा दी उस बंदे ने, क्या किया, नुकसान कर दिया मेरी गाड़ी का। अब मैं कल खड़ी करूँगा, 2-4 दिन फिर लग जाएंगे। ये देखिए गाइस, जा रहा है इधर से, बुलेट था उसके पास तो इसके साथ उसने टच कर दिया, ये देखो डेंट डाल दिया उसने, और उसके बाद सीधा उसका जो फुट रेस्ट होता ना ये मारा उसने यहाँ पे, और ये सारा तोड़ दिया, ये देखो। अब क्या है, नया डल जाएगा इंश्योरेंस में, तो ऐसे है। गाड़ी अच्छी नहीं लगती, बट क्या है एक दिन चला लूँगा इसको, बट क्या है कि नया डलवा लूँगा, नया कंपनी की तरफ से पड़ जाएगा, इसको कंपनी में रख दूँगा ना इसको गैरेज में 1-2 दिन के लिए, वो कह रहे कि हम कर देंगे 2-3 दिन में जल्द। फिर मैंने उनको बोला भी जल्दी कर दियो, मेरे को जाना भी है बिलासपुर क्योंकि टाइम आ रहे हैं नज़दीक नज़दीक। बताना नहीं चाहता था पर फिर मैंने सोचा यार आप फैमिली हो यार, अपना हर एक सुख दुख आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, दिल तो दुखा। फिर मैं गाड़ी में से उतरा, मेरे को ये था उसको चोट ना लगी हो, बट वो क्या था, बंदा रुका भी नहीं, भाग गया। उसको पता कि लॉस हुआ है, भाई मैं कौन सा तेरे से पैसे मांगने वाला हूँ। इंश्योरेंस इसलिए होता है, हम क्लेम इंश्योरेंस से करवा लेंगे, नो डाउट मेरा वहाँ पे जो फाइल चार्जेस होते हैं वो लगेंगे 1500-2000, बट क्या है कि ये जो काम पड़ गया ना 25-30 हज़ार का, तो इंश्योरेंस काम आ जाएगी। और बट ये था, और एक पता क्या यार, बंदा रुका भी नहीं, कम से कम रुकना तो चाहिए। लोकली था, मैंने वहाँ पे काफ़ी बंदे हो गए, 50-60 बंदे हो गए इकट्ठे, और ट्रैक्टर वाला था इधर, वो मैं अपनी साइड पर था बीच में ले रहा, वो ट्रैक्टर के नीचे आने वाला था। मैंने बोला भाई रुक जा, कोई बात नहीं, ज़्यादा मत जा,
ट्रैक्टर के नीचे जा सकता है। मैं कहा गाड़ी जितनी ठोकनी है ठोक दे, पर अपनी जान बचाइयो या बंदे को रुकना तो चाहिए। जैसे उसने बाइक निकाली उसको पता कि गाड़ी वाले का लॉस हो गया, मतलब कि मेरा फटाफट भाग गया वहाँ से। मैं क्या कर सकता था, अगर कोई है या फिर सुन रहा है, क्योंकि लोकल ही था नो डाउट, मेरे को जानता भी हो, भाई रुको वहाँ पे, पैसों की कोई बात नहीं है, कम से कम अपनी जान की तो ध्यान रखो, कहाँ भागना है आपको इतनी जल्दी में। तो बस यही बोलना था, अगर रुकता भाई मैं छोड़ आता हूँ तेरे को आराम से, लेकिन इतना बाइक तेज मत चला, अपनी जान की परवाह कर, पीछे फैमिली वालों की परवाह कर। तो बस ये था गाइस, तो इंश्योरेंस वालों ने बोला, इंश्योरेंस में कल मैं कंपनी भी गया था, वो कह रहे अब मंडे खड़ी करूँगा, वो कह रहे थे कि ना हमें ना एक एफिडेविट बनवा देना कचहरी से कि थर्ड पार्टी लॉस नहीं हुआ, कि अगर थर्ड पार्टी लॉस होता है तो फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाता, लेकिन होना क्या है कुछ भी नहीं। मेरे को FIR करवा देनी चाहिए थी लेकिन मैंने करवाई नहीं, किसके ऊपर करवाता, लड़के ही भाग गया, तो नंबर वगैरह भी मैं नोट नहीं कर पाया, वो ना ही किसी को, ना सोचा कि जान बच गई ठीक है, सेफ था, पता नहीं क्या नशा वगैरह कर रखा होगा, भाग लिया वो गाड़ी ठोक के। गाड़ी की क्या कोई बात नहीं, लेकिन इंसान की जान बचनी चाहिए, चाहे वो मैं था चाहे वो दूसरा ही बंदा था थर्ड पार्टी। तो बस ये था, फिलहाल गाड़ी सही है, बस वो एक बार से देखने में थोड़ी अच्छी नहीं लग रही, हल्का सा डेंट आ दिया और बम्पर तोड़ दिया, कोई बात नहीं, छोटे छोटे शहरों में या बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती है, और इसमें गाड़ी को कोई दोष नहीं। मम्मी को बताया, मम्मी कह रहे नन्नू गाड़ी पे काला परंदा बांध ले, मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें चलती रहती है, क्योंकि दिल में आस्था होनी चाहिए और भगवान जी हमारे साथ में। यहाँ पर रखता हूँ मैं भगवान जी की मूर्ति ना, ये देखिए आराम से इसमें, ये सनग्लास बॉक्स में। तो अभी आज ना मैं थोड़ा जल्दी उठ गया, क्योंकि मेरे को ना गाड़ी देके आनी, ताकि जल्दी गाड़ी दे दूँ और जल्दी गाड़ी मेरे एक दो तीन दिन में हो जाए, क्योंकि मेरे को निकलना भी है बिलासपुर जल्दी। और फिलहाल मम्मी जी के हाल चाल, मम्मी आपको किचन में मिलते हैं, खाना मिलाते हुए जबरदन दोस्त हुए हैं ना, मम्मी की बैठ प्लेस। लेकिन क्या है कि मम्मी ना मंदिर जाए, बोले आटा खराब है, खट्टी खट्टी स्मेल आ रही है। अच्छा अच्छा, तो गाइस आज फिर गाड़ी यहीं पे आ गई, फिर से आज गाड़ी यहीं पे खड़ी कर दी और मिल जाएगी कल तक भाई, क्योंकि मैं आ चुका हूँ आज बख्शीश जी के साथ चंडीगढ़ में, क्योंकि कुछ काम थे यहाँ पे, आपको मिलेगी LED, क्योंकि बख्शीश का जो काम है ना वो LED का काम है। अगर आप मेरे को लोकल आप देख रहे हो ना, तो आपको कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस चाहिए तो मेरे को ना इंस्टाग्राम पर DM करना, क्योंकि बख्शीश का ना इलेक्ट्रॉनिक का काम है, या फिर रेफ्रिजरेटर LED कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक पेन से चाहिए आप याद कर सकते हो। और आपको ना एक बहुत ही जरूरी खबर सुनाना, वो क्या है कि टेंशन वाली बात होगी, टेंशन वाला काम हो गया, वो क्या था कि ना आपको पता है कि टफी, आप लोग बोलते हो कि टफी किधर है, एक्चुअली टफी के जो ओनर थे ना वो ये थे, इन्होंने हमें दिया था लेब्रा बताते, लेकिन वो मिक्स ब्रीड निकली, लेब्रा का जेब्रा निकला, वो जेब्रा का जेब्रा निकला है ना। चलिए कोई बात नहीं, बहुत प्यार से पाला हमने 7-8 महीने, मम्मी भी रोई मैं भी रोया है ना, लेकिन मैं शिमला था और वो चला गया, और जिनके पास गया आज वो मेरे को मिले, उनके पड़ोसी, और मैंने बोला कि वो पड़ोसी मेरे बहुत अच्छे नॉन थे, और मेरे को पता क्या बोल रहे थे कि भाई अपना कैसे वैसे, मैंने कहा यार मेरे आपके साथ कर ना, वो मेरा डोगी है, तो जिसको हम देसी भाषा में कुत्ता भी बोलते हैं, लेकिन डोगी बोलना ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि हम एनिमल लवर है, कुत्ता नहीं बोलेंगे क्योंकि वो एक एनिमल है, डोगी है, लेकिन क्या है कि देसी भाषा में हम कुत्ता बोल देते हैं। चले गए मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे की बात यह है कि ना मैंने उससे पूछा कि आप टफी से मिल लिया करो, कैसा है, कह रहा कि वो आपका है कुत्ता, ऐसे बोला हुआ आपका कुत्ता है, मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा पाजी उसने तो दो तीन बंदे काट लिए, उसकी तो पुलिस कंप्लेंट हो रखी है उसकी। मैंने कहा ऐसे कैसे होगी, कुत्ते की पुलिस कंप्लेंट कैसे होगी, कह रहा कि ना उसने किसी को ना काट लिया, किसी कुत्ते को भी काट लिया था, दो तीन लोगों को काटा और एक किसी और बंदे को काटा, उसने कुत्ते ने पुलिस कंप्लेंट कर दी, और उसको मालिक को वहाँ पे बुलाया गया, अभी तो मैं मालिक नहीं हूँ ना, तो उसको बुलाया गया वहाँ पे और पूछताछ की गई, और फिर क्या हुआ कि पूछा, फिर उसको इंजेक्शन वगैरह रखे लगे हुए थे, सर्टिफिकेट वगैरह डिपोजिट करवाया, तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट किया। तो मैं हैरान हो गया कि हमारे टफी ने ऐसा खूंखार खेल खेला है, लोगों को काट रहा है, क्योंकि खुला छोड़ा हुआ था ना वो, इसलिए मैं घर पे नहीं रखते थे, एक दो बार मेरे को भी काटा था उसने, बच्चे थे इसलिए मैं उसको थोड़ा सा बांध के रखते थे। तो उन्होंने यही बोला कि उसको ना डे में तो ठीक है, लेकिन रात के टाइम जब उसको खुला छोड़ते हैं ना, तो गाड़ियों के पीछे भागता है वहाँ पे, और ऐसे खाने को पड़ता है, तो मतलब किसी को काटा हुआ उसने पुलिस कंप्लेंट करवा दी, ओनर को बुलाया हुआ, उसको पुलिस वाले ने रिस्ट्रिक्शन दी होगी, और उसका जो हेल्थ चेकअप कार्ड होता है वो दिखाया होगा कि हाँ भाई इसको प्रॉपर इंजेक्शन लगे हुए, तब उस केस को सॉर्ट आउट किया। मैं हैरान हो गया कि देखो टफी का मालिक मैं था, उसके ऊपर भी सारी चीज़ें चली हुई है, कोर्ट केस, पुलिस कंप्लेंट,
और जो हमारा डोगी है टफी, इसके ऊपर भी पुलिस कंप्लेंट चल रही है। बहुत दुख हुआ हमें इस बात को सुन के, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, अब मिल के आएंगे उससे और उसको सजेशन देंगे, भाई ऐसी हरकतें मत कर, आराम से रह, अच्छी ज़िंदगी जी, मेरे को देख लें और अपने आप को देख लें। तो रियलिटी है, एक दिन जाऊँगा मैं, मिल के आऊँगा उससे और पूछ के भी आऊँगा। अब तो मेरे को डर लग रहा है कि मैं ओनर से भी कैसे मिलूँगा जो उसका नया ओनर है, क्योंकि बोलने गया ये अच्छा आपने डोगी दिया हमें, ये तो पुलिस कंप्लेंट करवा रहा है, और सुनने में आया है कि ना 3-4 लोगों को खा गया वो और पुलिस स्टेशन पहुँच रहा है, उसके नाम पर कंप्लेंट्स हो रही है भाई। इतनी हंसी है ना, फिर हमें बाद में पता चला यार ऐसे भी हो जाता है ना, क्योंकि ऑब्वियसली होगा ना अगर आपका ना। मैंने सोचा कि आज ना मेरा व्लॉग रह जाएगा, क्योंकि सुबह 3 बजे से आए हुए थे हम, और मैंने सोचा इस वीडियो को जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, अपनी ये अच्छी बात आपको समझाते हैं, नहीं तो मेरे को ये था कि मैं मम्मी के साथ डिस्कस करता, पर जैसा भी है हो गया। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो, तब तक आप सभी लोगों को बबा बबा बबा।